अब हम क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस आ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। देखो इसने अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा कि ये कुछ हद तक स्टेबिलिटी बता रहा है आपके पास ये रदरफोर्ड्स मॉडल, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ जब टाइम के गुजरने के साथ इसका इसके ड्रॉबैक्स भी सामने आते गए। तो पहला ड्रॉबैक यही है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इनने ये तो बता दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो कहीं सर्कुलर पाथ्स में घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन वो उनका अरेंजमेंट कैसे है, पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है वो उसके बारे में साइलेंट था, और उनकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कैसी है क्या नहीं है उसके बारे में बिल्कुल साइलेंट थे। कोई एक्सप्लेनेशन इनमें इन्होंने इसमें नहीं दिया था। तो पहला ये लिमिटेशन ये आ गया कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हम ये कह सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस के एटम्स को एक्साइट किया जाता है और इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से देखा जाता है तो कुछ लाइन्स हमें दिखती हैं, हमें कुछ उस स्पेक्ट्रम में लाइन्स जैसे दिखती है लाइन्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे बोर मॉडल से, पहले स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा क्या है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था, लाइन स्पेक्ट्रम होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हम नेक्स्ट पोस्टर में देखेंगे कि ये इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आप ये याद रख लीजिए कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक था वो था कि ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा होता है तो इसको एनर्जी लूज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और अगर वो ऐसा करता है तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली श्रिंक होके मतलब स्पाइरल होके उस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, इट डज नॉट हैपन, बिकॉज एटम एज वी नो दैट एटम इज वेरी स्टेबल। तो हम ये देखते हैं कि लास्ट इसका पॉस्टुलेट जो सबसे हम कह सकते हैं डेथ ब्लो की तरह था इसके लिए, वो था इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन being a charged particle should emit radiation and spiral into the nucleus because according to मैक्सवेल थ्योरिया, जो मैक्सवेल की थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएम रेडिएशन की, वो ये कहती है कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जब भी एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और दिस मॉडल की जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चक्कर काटता रहता है, घूम रहा होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होता है तो इसका ये एक्सेलरेट कर रहा होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इसका मतलब ये एनर्जी लूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेट करते करते ये 10^-8 सेकेंड में ही स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। और लास्ट हम ये बता सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल
बॉन्ड। तो फोर्थ हम लिखते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैसे लूज होते हैं, गेन होते हैं, उसके बारे में साइलेंट था। अब इसको हम पिक्टोरियली थोड़ा देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा, इसकी लिमिटेशन कहना क्या चाह रही है एक्चुअल में। इसको जब तक हम पिक्टोरियली नहीं देखेंगे पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, तो हम नहीं बता सकते हैं। इसका कहना यह है, इसकी लिमिटेशन का जो था वो ऐसा होना चाहिए था कि मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे करते करते गिर जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कल में, तो सर्कल में अगर वो सर्कल में घूम रहा है, ये नॉर्मल डायग्राम ड्रा करते हैं कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा है सर्कल में बिल्कुल। लेकिन ऐसा करना अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर टाइम पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है। तो फिर होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पायरल कर देगा, क्योंकि एनर्जी लूज करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे गिरते गिरते स्पायरल करते करते एकदम न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फिर थॉमसन मॉडल और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे हम जानते हैं कि एटम बहुत ही स्टेबल है, और इनने कैलकुलेशन करके देखा कि 10^-8 सेकंड में ही गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया, ना होता ही ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस मॉडल इज नॉट ए स्टेबल मॉडल एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाई नीयर्स बोर मॉडल एंड देन आफ्टर दैट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विच वी विल स्टडी लेटर ऑन। थैंक यू।